Hi kids, I welcome you all in my class again. Hope you all are very good. So, today I am going to make you learn and today I am going to teach you social studies. And this is chapter number one the universe. Today we will learn and talk about so many things about the universe. Universe, it means Brahman. जिसमें हमारा सोलर सिस्टम प्लैनेट्स एंड अर्थ सेटेलाइट्स अर्थ मून एंड एस्ट्रॉय्स कॉमेट्स ये सब चीज़ें इसके अंदर ही आती हैं सो वाट इज़ यूनिवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू ओपन योर बुक चैप्टर नंबर वन द यूनिवर्स ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर वी लिव ऑन प्लैनेट हम प्लैनेट पे रहते हैं जिसका नाम है अर्थ सो वी लिव ऑन प्लैनेट एंड इट्स नेम इज इ विच इज द सोलर सिस्टम ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है द अर्थ इज द डैश प्लानिट फ्रॉम द सन सो द अर्थ इज द थर्ड प्लानिट फ्रॉम द सन एंड आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एट इन द लास्ट हैव यू एवर ऑब्जर्व द स्काई क्या आपने कभी आसमान को स्काई को आपने नोटिस किया है आपने ऑब्जर्व किया है जब हम स्काई को देखते हैं तो हमें डे में क्लाउड्स दिखाई देते हैं स्काई ब्लू हमें स्काई दिखाई देता है नाइट में हमें मून दिखाई देता है बहुत सारे डिफरेंट हमें स्टार्स दिखाई देते हैं ऐसा लगता है लाइक like, जैसे कोई डॉट है एंड हैव यू एवर ऑब्जर्व द स्काई द सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे जो सन है वो दिन के टाइम पर शाइन करता है चमकता है इफ़ यू लुक एट द नाइट स्काई अगर आप रात को आसमान को देखते हो यू विल फाइंड स्मॉल ट्विंकलिंग स्टार्स डॉटिंग द नाइट स्काई आप देखेंगे कि स्काई में नाइट के टाइम पर नाइट स्काई में छोटे छोटे ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं वो कैसे लगते हैं डॉट की तरह लगते हैं डॉट की तरह वो ट्विंकल होते रहते हैं एंड द मून ग्लोइंग वाइट और जो मून है वो हमें वाइट कलर का ग्लो करते हुए दिखाई देता है इन द मॉर्निंग यू सी और वी सी द सन इन द नाइट वी सी द मून एंड एज वेल एज स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई सो वॉट दे ऑल आर ये सब क्या है एवरी थिंग दैट एग्जिस्ट इज नॉन एज द यूनिवर्स जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सब क्या है यूनिवर्स है ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग अस हमें भी एड करके एनिमल्स फ्लार्स एंड द सन प्लान मून गलेक्सीज Dust, clouds, everything is the part of the universe. So, the sun, moon, stars, along with the planets, are called celestial bodies or heavenly bodies. A celestial body is any natural body. आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमोसफियर जो अर्थ एटमोस्फियर के आउटसाइड बाहरी तरफ होती है और नेचुरल होती है नाउ द यूनिवर्स वॉट इज द यूनिवर्स यूनिवर्स क्या है द यूनिवर्स इज अवज स्पेस बहुत बड़ी विशाल जगह है दैट होवरी थिंग जिसने सभी चीजों को पकड़ के रखा हुआ है उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड है ऑल लिविंग थिंग्स द सन प्लैनेट्स मून स्टार्स एंड क्लाउड्स अब आप देखते हैं कि हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है कितनी विशाल है उसमें सभी लिविंग थिंग्स हैं सन मून है गैलेक्सीज़ हैं स्टार्स हैं डस्ट है क्लाउड्स हैं और प्लैनेट्स हैं हमारे एट प्लैनेट्स हैं तो वो सब भी उसके अंदर ही इंक्लूड हैं अब व्हाट इज गलेक्सी अ गलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है गलेक्सी स्टार्स डस्ट एंड गैसेस जिसमें स्टार्स भी हैं डस्ट भी है और गैसेस भी हैं देयर आर मैनी गलेक्सीज इन आर यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स में हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी गलेक्सीज हैं नाउ वॉट इज डॉटिंग डॉटिंग का क्या मतलब था मैम ने आपको यहाँ पर ऊपर एक्सप्लेन किया था ट्विंकलिंग स्टार्स डॉटिंग द नाइट स्काई समथिंग दैट यू कैन सी इन द डिस्टेंस दैट लुक्स लाइक अ स्मॉल राउंड मार्क जब आप यहाँ से अर्थ से आप यहाँ से आप से, स्काई में देखते हो नाइट में तो आपको स्टार्स नजर आते हैं लेकिन वो स्टार्स हमें स्टार्स थोड़ी ना दिखते हैं वो हमें ऐसे लगता है जैसे कि कोई डॉट है राउंड शेप का छोटा सा कोई मार्क लगा हुआ है ऐसे हमें दिखाई देते हैं हल इट मीन्स थ्रो समथिंग वायलेंटली विद अलॉट ऑफ फोर्स बहुत तेज से जिसने हम हाँ, जिसने क्या किया है बहुत तेज से thrown up evolve it means gradually change and develop into different forms now next is solar system the sun its family of eight planets their satellites or moons and other celestial bodies like asteroids and comets फॉर्म द सोलर सिस्टम अब आप सोचेंगे सोलर सिस्टम क्या है हमारा सौर मंडल क्या है उसमें हमारा इंक्लूड है सन और उसकी फैमिली ऑफ एट प्लानट्स एट प्लानट्स की उसकी फैमिली है मर्क्यूरी वीनस अर्थ मांस जुपिटर साचिन एन यूरस और नापचिन एस्ट्रॉयड्स हैं कॉमिट्स हैं इन सब ने एक फॉर्म दे दिया एक रूप दे दिया जिसका नाम है सोलर सिस्टम द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है मिल्की वे का गैलेक्सी का पार्ट है अब आप सोचेंगे व्हाट इज मिल्की वे मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी दैट कंटेन्स आर सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी क्या है जिसने हम एक गैलेक्सी है जिसने हमारे सोलर सिस्टम को कंटेन किया हुआ है देयर आर एट प्लानट्स इन द सोलर सिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ दियर डिस्टेंस फ्राम द सन सन की दूरी के अकॉर्डिंग उनका जो सोलर सिस्टम में जो एट प्लानिट्स हैं उनको रखा गया है अब वो कौन कौन से है सबसे पास जो सन के हैं वो है मर्क्यूरी देन वीनस अर्थ अर्थ इज़ द थर्ड वन प्लानट्स फ्राम द सन एंड नेक्स्ट इज मास देन जुपिटर साचन यूरनस एंड नैपचून जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लान है एट प्लानट में से द सन इज द सेंटर एंड द प्लानट्स मूव अराउंड द सन जो सन है वो सेंटर है और ये सारे प्लानिट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं द अर्थ इज द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन अर्थ यानी जो हम पृथ्वी है जहां पर हम रहते हैं वो सन से थर्ड प्लानिट है वन टू एंड थ्री इट इज द ओनली प्लानिट दैट हैज एयर एंड वाटर सिर्फ एक अर्थ प्लानिट ऐसा है जिसमें एयर भी है और वाटर भी है इसीलिए अर्थ पर लाइफ है द कंडीशन नेसेसरी टू सपोर्ट द लाइफ वो सभी कंडीशंस हैं अर्थ में वो सभी हैं चीज़ें हैं जो जरूरी हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अर्थ पर फूड है एयर है वाटर है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा नीड है से लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जीने के लिए सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट इज प्लैनेट्स नाउ व्हाट आर प्लैनेट्स प्लैनेट्स आर लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दैट मूव्स अराउंड अ स्टार जो प्लानिट्स है वो बहुत बड़े हैं राउंड है, है गोल है उनकी जो शेप है दैट मूव अराउंड अ स्टार जो एक स्टार के चारों तरफ मूव करते हैं द सन इज ऑल्सो अटार प्लानिट्स मूव अराउंड द सन इन अ स्पेसिफिक पाथ कोल्ड एंड ऑर्बिट जो प्लानिट्स हैं जितने भी प्लानिट्स हैं वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं उनका एक विशेष एक स्पेशल उनका रास्ता है उसको क्या कहा गया है ऑर्बिट वो उसी ऑर्बिट के चा उसी ऑर्बिट में वो आ, सन के चारों तरफ मूव करते हैं ईच प्लानिट ऑल्सो स्पेंस लाइक अ टॉप ऑन एन इमेजनरी लाइन कोल्ड एंड एक्सेस हर प्लानिट स्पिन करता है टॉप पर यानी शीर्ष पर एन इमेजनरी लाइन एक लाइन के पर जिसे कहा गया है एक्सिस। वी नो आर सोलर सिस्टम हैज़ एट प्लान दैट मूव अराउंड द सन हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एट प्लैनेट्स हैं। अब सोलर सिस्टम वो भी यूनिवर्स का पार्ट है एट प्लैनेट्स इस सोलर सिस्टम के अंदर ऐड है दैट मूव्स अराउंड द स सन जो सन की चारों तरफ मूव करता है दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन उन एट प्लानट्स को सन से हीट भी मिलती है लाइट भी मिलती है मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लान टू द सन मर्क्यूरी जो है वो प्लान जो सन के सबसे पास वाला प्लानट है सब के सबसे पास सन के कौन सा प्लानट है मर्क्यूरी एंड नैपच्यून इज द फादेस्ट प्लानट नैपच्यून सबसे लास्ट वाला है सबसे दूर वाला प्लानट है जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानट है इन सभी प्लान में से सबसे बड़ा है नाउ विच वन इज जुपिटर दिस वन आप देख रहे हैं ये जो सर्कल है ये राउंड है ये इन सभी से बिग दिख रहा है दिख रहा है ना आपको ये सब स्मॉल है और जुपिटर सबसे बिग है नाउ विच सेलेस्टियल बॉडी गिव्स लाइट टू ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम अभी हमने रीड किया है विच सेलेटियल बॉडी गिव्स लाइट टू ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम

and today we, had, we have cover, cover, covered up these important topics universe, the universe, galaxy and then solar system and planets. and rest of the part we will complete in my next class. and here are so many important points. stars, constellations, सेटेलाइट्स अबाउट द मून कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयड्स इन सब के बारे में हम लर्न करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में सो टिल देन गुड बाय एंड आई होप यू इंजॉय द चैप्टर टुडे एंड यू हैव टू रीड द चैप्टर अगेन ऑट योर होम सो टेक केयर बाय